बिहार विधानसभा में सोमवार को नीतीश सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। सत्ता पक्ष की मांग पर वोटिंग करवाई गई। सरकार के समर्थन में 129 वोट पड़े, लेकिन जेडीयू और बीजेपी तेजस्वी के भाषण से हिल गई। तो बिहार विधानसभा में कैसे तेज हुई सियासी हलचल, देखते हैं इस रिपोर्ट में। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली नई सरकार ने सत्ता हासिल करने के 15 दिनों बाद सोमवार को सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया है। बिहार विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव को लेकर पहले चर्चा हुई, फिर ध्वनिमत से विश्वास मत पारित हुआ, उसके बाद वोटिंग कराई गई। इस दौरान विपक्ष के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सत्ता पक्ष की मांग पर वोटिंग कराई गई, इसमें समर्थन में 129 वोट पड़े। इससे पहले विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में मुख्यमंत्री जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए तो आरजेडी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। आरजेडी विधायकों ने नीतीश कुमार का विरोध किया। मालूम हो कि बिहार विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 243 है। सदन में बहुमत साबित करने के लिए 122 विधायकों का समर्थन जरूरी है, लेकिन फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार ने इस संख्या से अधिक विधायकों का समर्थन पाया। एनडीए का शुरू से ही दावा था कि उसके पास 128 विधायकों का संख्याबल मौजूद है, जिसमें बीजेपी के 78, जेडीयू के 45, हम के 4 और एक निर्दलीय सुमित कुमार सिंह शामिल है। एनडीए खेमे में वोटिंग करने वाले विधायकों में राजद के भी 3 विधायक थे। सदन में चर्चा के दौरान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के अलावा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने भी अपना पक्ष रखा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। सदन में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी की गारंटी वाले बताएंगे क्या कि मुख्यमंत्री फिर पलटेंगे या नहीं। तेजस्वी ने कहा, मैं खुश हूं कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया। भाजपा ने भारत रत्न को डील बना दिया है, आप हमारे साथ आइए और हम आपको भारत रत्न देंगे। तेजस्वी ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही कह दिया, आज बोलने दीजिए, कल से हम जनता के बीच रहेंगे। स्पीच के दौरान तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगे। विधानसभा के बाहर हंगामा कर रहे आरजेडी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया गया। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव पास कर स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को हटा दिया गया। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 125 और विपक्ष में 112 वोट पड़े। डीवी लाइव की रिपोर्ट।